भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत क्रिस्टन स्क्रैनर बर्गेनर ने चेतावनी दी है कि म्यांमार में जबरदस्त युद्ध छिड़ने की आशंका है। उन्होंने इसको देखते हुए जरूरी कदम उठाने की अपील भी की है। उनका कहना है कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने साफ किया है कि यदि इसको अभी नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया को इसको लंबे समय तक देखना और झेलना पड़ सकता है। उन्होंने इसको लेकर म्यांमार के पड़ोसी देशों को भी आगाह किया है। क्रिस्टन ने कहा है कि इस आशंका को देखते हुए साझा प्रयासों के तहत उठाए जाने वाले सभी जरूरी कदम और मौजूदा विकल्पों को तलाशना जरूरी है। एक वर्चुअल बैठक में क्रिस्टन ने कहा कि सैन्य शासन द्वारा वहां पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और सेना के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हत्या की जा रही है। उन्होंने इस दौरान म्यांमार असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स द्वारा दी गई एक जानकारी को भी साझा किया। इसमें बताया गया है कि तख्तापलट के बाद अब तक 2729 लोगों को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है, जबकि 536 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 मार्च को म्यांमार में हुई लोगों की हत्या की भी कड़ी निंदा की गई और सैन्य शासन को उखाड़ फेंकने की भी वकालत की गई। इसमें मांग की गई कि लोकतांत्रिक सत्ता को फिर से बहाल किया जाना चाहिए और आंग सान सू समेत सभी नेताओं को बिना शर्त तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को सेना ने तख्ता पलट कर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। इसके बाद म्यांमार के कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिन आंग हेलिंग ने खुद को देश का प्रमुख घोषित करते हुए आंग सान सू की समेत सत्ताधारी पार्टी के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया था। हेलिंग का आरोप है कि नवंबर 2020 में हुए चुनाव में सत्ताधारी पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली की थी। सेना की तरफ से सू की पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देश में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद से ही वहां पर सैन्य शासन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसमें अब तक करीब 500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और लगभग हजारों लोग घायल हैं। म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर तरफ से कड़े स्वरों में निंदा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।